लेखक मनोज मुंतशिर ने मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए ये कह दिया था कि विदेश माता का पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। अब इसी पर कांग्रेस ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया, जबकि उन्होंने चाणक्य का लिखा हुआ कोट किया था। अब इसी भड़की कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया और लिखा कि भाड़े के नाम और चोरी के गाने लिखने वाले मनोज मुंतशिर जिस माँ का विदेशी कहकर अपमान कर रहे हैं, वो लोकतंत्र में 6 बार चुनी सांसद हैं। संघीय अवसरवादी दाम्पत्य माँ का ओहदा और हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं समझ सकते। तथा कथित कवि से सड़क छाप चवन्नी का ट्रोल बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अब इसी पर रिप्लाई देते हुए अशोक पंडित ने भी लिख दिया कि मैडम, माँ बेटे बहन ने गांधी सरनेम भी भाड़े पर ही लिया है ना। और बस इतना ही नहीं, सुप्रिया श्रीनेत को लोग उनका बयान भी याद दिलाने लगे जब उन्होंने अक्षय कुमार को विदेशी कहा था। दरअसल जब ऋचा चड्ढा ने हमारी आर्मी का मजाक बनाते हुए ट्वीट किया था, जो कि सेना के पीओके लेने के बयान पर आया था, उसी पर अक्षय कुमार ने सेना के शौर्य की बातें लिखते हुए ऋचा को लताड़ा था। अब इसी ट्वीट पर सुप्रिया ने उन्हें विदेशी बताते हुए लिखा था, आप आम खाते हैं? कैसे खाते हैं? काट कर खाते हैं या गुठली के साथ? वो वॉश बेसिन पर खड़े होकर आम खाने का मजा ही कुछ और है। आप ऐसे सवालों तक ही सीमित रहिए। एक विदेशी से भला हम अपनी सेना के शौर्य और पराक्रम और राष्ट्रवाद पर भाषण क्यों सुने। इसी पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि भारत में पैदा हुआ अक्षय कुमार कैनेडियन है, लेकिन इटली में पैदा हुई सोनिया गांधी विदेशी नहीं, वाह रे चमचो। वही एक और यूजर ने लिखा कि विदेशी औरत की कोख से जन्मी संतान कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकती। जिस देश ने उनको 6 बार सांसद बनाया, आज उसी देश में वो घोटाला करने के आरोप में जमानत पर है। विदेशियों ने हमेशा भारत को लूटा है। एक और यूजर ने सुप्रिया के ट्वीट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अक्षय कुमार के बारे में मैडम के विचार स्थान और समय अनुसार बदलते रहते हैं। वहीं मनोज मुंतशिर पर सुप्रिया द्वारा किए गए ट्वीट पर ऋषि ने लिखा कि भाड़े के नाम और चोरी बोली तो एक बार लगा, कहीं आप बागी तो नहीं हो गए हो। एक और यूजर ने लिखा, मुंतशिर की बात करते हो तो ऐसे तो गाने तो कांग्रेस भी भाड़े के लेती है। याद है ना, कर्नाटक हाईकोर्ट ने KGF 2 के गाने के बारे में क्या करा, जिसे तुमने चोरी किया। तुम्हारे घोटालों की तो बात ही नहीं करूंगा। वैसे तो गांधी नाम भी भाड़े का ही है, सोनिया आज तक एंटोनिया है।